अभी भी हम लोग हॉस्पिटल में हैं, अभी 3 बजे है, तो 4 बजे का जो है हम लोग घर जाने वाले हैं गाइस। तो बारिश भी हो रही है, तो बारिश हो रही है एक तरह से अच्छा है, ठंडा होगा, वरना हमारे बेबी के लिए बहुत तकलीफ होता ना गर्म में, तो जेरी के लिए भी तकलीफ होता। अभी जेरी हैंड वॉश किया था, तो अभी अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे से जाना पड़ता है। तो 4 बजे को हम लोग जो है यहाँ से निकलने वाले हैं, गाड़ी आ रही है, मेरा दोस्त पोम भी आ रहा है और भरा गाड़ी भी आ रहा है। अभी ना गाइस 4 बजे हैं, तो अभी डिस्चार्ज लेने का टाइम है, तो जो अंकल आने वाले थे ना वो आ चुके हैं गाड़ी लेके। पोम थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो ये वाला अंकल के साथ हम लोग चले जाएंगे। वाह, चलो सबसे पहले डिस्चार्ज ले लेता हूँ। वो देखो अंकल गाड़ी लेके उधर में आए हुए हैं। तो ये रहे मेरे जेरी के जो है डिस्चार्ज पेपर, डिस्चार्ज हो चुकी है। तो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनाने के लिए वो डॉक्यूमेंट है, उसको अच्छे से रखने के लिए बोला है। और मुझे जो है पेट्रोल फ्री में 3 लीटर मिलेगा बोला, ये कागज़ लेके मुझे पेट्रोल पंप पे जाना है, तो पेट्रोल भी मिलेगा। और जेरी का अकाउंट नंबर वगैरह देख के उसमें कुछ पैसे वगैरह भी आते हैं बोला है। तो अभी चले जाते हैं, सामान वगैरह सब ले जाना पड़ेगा, ये वाली गाड़ी पे सब ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। चलो अभी चले जाते हैं। अभी पैकिंग शेकिंग हो रहा है पूरा, जाने के लिए जितना भी कुचुर मुचुर है और डाल के लेके जाएंगे, बस इसको 10 दिन में देखना है उसको सामान। और मेरा जिम वाला, अभी तो जिम कम से कम 1 महीना तक तो जाने नहीं होगा बॉडी बिल्डर गया बाहर में अभी चलो और क्या डालना है यार, सब कुछ तो हो गया ना। मेरा मम्मी का कॉल है, हम फोन रिसीव करेगा। सामान सब पूरा बैग सब में डाल दिया, तो अभी जा रहे हैं। विराम सो दोस्त भी आया है, तो वो भी पूरा लाने में मदद कर रहे हैं। चलो सकेगा, हाँ चलो, विराम सो दोस्त भी मदद कर रहे हैं ना। चलो चलो, अरे अंकल तो पूरा बोर हो गया होगा गाड़ी से कब से। और पोम दोस्त भी पहुँच गया, पहुँच गया ना। हाँ, लेकिन हम तो बाइक में जाना पड़ेगा। हाँ चलो, पूरा डिक्की में भर दिया गैस, लेकिन इस बैग को मैं अपने ही साथ में लेके जाऊंगा। रास्ते में कुछ कुछ अगर मिलता है तो लेके जाऊंगा, फ्रूट या फिर सब्जियां ना, और भी है कुछ सामान वो लेके आते हैं। और यहाँ पे देखो कौन आया, डियोन भी आया है, यानी कि पोम्पोमुआ का भतीजा। और वहाँ पे हम लोग का पोम्पोम भी पहुँच चुका है, वो देखो हम लोग का पोम्पोम भी आ गया। तो अभी जो भी सामान है और वो लेके आते हैं, उसके बाद जाएंगे। आप दोनों का जोड़ी हमेशा सलामत रखे। पीछे में एक सुंदर सा कन्या है जो वीडियो कर करके आ रहे। हाँ पूरा चेहरा देखो ना भाई, स्माइल स्माइल दे रहे। बच्चा का माँ भाई का देखो ना, पूरा स्माइल स्माइल, पूरा मुंह में स्माइल कमी नहीं है इसका भी, हंसते रहे। और रानू, यस रानू सी, यस तो अभी गाड़ी में लोड भी हो चुका है, बैठ भी चुके हैं, तो अभी जाएंगे। चलो अच्छे से जाऊँ मैं बाइक में, पीछे पीछे आऊंगा ठीक है। ला रहे रोने दादा का रो ला रहे हो रही। जेरी लोग आगे आगे चले गए हैं, तो अभी जो है मैं जाऊंगा बाइक में, तो फ्री का पेट्रोल भी मिला है 3 लीटर, तो वो लेके जाऊंगा। जेरी लोग जो है धीरे धीरे जाएंगे, मैं बाइक में थोड़ा सा हल्का सा फास्ट जाऊंगा, तो वो लोग को जो है मैं पार करके भी चला जाऊंगा ना। तो बाय बाय, वाह पम पम पूरे लड़की लोग का साथ जा रहा है। बाय बाय, बाय बाय श्वेता, हाँ बाय बाय, सबको बहुत थैंक यू दिल से सपोर्ट करने के लिए, हाँ जितना भी है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो अभी चला जाता हूँ। नर्स सिस्टर लोग कहाँ गया, सिस्टर लोग नहीं है, सबसे ज़्यादा थैंक यू तो सिस्टर लोगों को, तो मैं कभी टाइम निकाल के आऊँगा, सिस्टर लोग को सरप्राइज दूंगा कभी ज़रूर से गाइस, ये मेरा वादा है। इतना अच्छे से देखभाल किया है ना, कुछ तो बनता है, तो ज़रूर से सरप्राइज मिलेगा। तो ये लेबर रूम मैं हमेशा याद रखूँगा, यहाँ पर मेरा पहला बच्चा जो है जन्म हुआ है। तो अभी चले जाते हैं हम, चलो। तो अभी जो है मैं पेट्रोल भरने आ चुका हूँ गाइस। एक्चुअली मैं नॉर्मल वाला पेट्रोल नहीं डालता हूँ, हमेशा प्रीमियम वाला डालता हूँ अपना बाइक का इंजन का हेल्थ के लिए।
तो इसलिए मुझे एक्जैक्टली 3 लीटर तो नहीं मिलेगा, 3 लीटर का जो दाम है उसका हिसाब से मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम वाला थोड़ा सा महंगा होता है। फाइनली गाइस 6 दिन के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूं गांव में, अभी भैया के घर के पास। मानवी पूरा बुला रही है, पूछ रही है अरे जेरी मामा कहाँ है, हम लोग का बच्चा कहाँ है, बेबी कहाँ है, पूछ रहा है। देखो मानवी हमारे घर में जाओगे मानवी? हाँ जाएंगे ना। घर पहुंच गया गावुजे, इतना खुश हो गया। आजा आजा बेटा, आजा 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 मेरा पहला बेटा। ओ आजा आजा, हमारे घर में नया मेहमान। ओ एप्पन गावुजे, लेकिन छोटू गायब हो गया गाइस, छोटू को ढूंढ के लाना पड़ेगा। मम्मी के साथ पूजा में गई थी बोला है गावुजे, और वो लेकिन गावुजे घर पहुंच गया, वो पहुंचा नहीं है। इतना मतलब मना करने से भी उलझ जाते। अरे प्लीज ये देखो, इतना दिन का बाद आया हूँ, क्या कर रहा है गीला सिकुआ। अरे पेन फाट हो गए क्या, पेन फाट हो गए? ओह घर पे जो है मम्मी भी है, लेकिन मोटर जो है खराब हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तो मुझे मोटर को देखना पड़ेगा। ये देखो क्या हो गया, पता नहीं कहीं में फ्यूज व्यूज उड़ गया क्या। फाइनली घर पहुंच गए, वाओ, और मानवी भी आ गई साथ में। तो अभी मम्मी देख लीजिए पहली बार। कम्बल चल। बुआ जी भी आके देख लीजिए। बुआ जी मम्मी का तो हाँ हाँ नहीं, ओ मैं नहीं छूता हूँ, मैंने गावुजे को छुआ है, मैंने गावुजी को छुआ है, तो बच्चे का कोई भी कपड़ा मैं नहीं पकड़ूंगा। अभी थोड़ा सा फ्रेशअप होने का बाद ही, गावुजी आते ही पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया ना, तो क्या ही कर सकते हो, वो भी अपना बच्चा ही है। चलो अभी देखो उधर से दीदी जो है लेके आ रही है हमारे बेबी को, और इधर में मम्मी जेरी को। हाँ रुको रुको, मैं भी आता हूँ। फैमिली मेंबर लोग पूरा घूर के देख रहे हैं गाइस, मम्मी ले लिया गोदी में। गावुजे भी देखने आ रहा है, गावुजे नहीं 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 नहीं, बच्चा को इन्फेक्शन लगा देगा, ला ला गो 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 जा 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 देसाले दूध तो हां नो आले ते नाक कोसी भी गोदी में नो नहीं ये दादू देखो पूरा कन्वर्सेशन चल रहा है, मम्मी तो पूरा खुश, गोदी में ले लिया है। शकल नहीं दिखाऊंगा गाइस, दूर से ही देख लो, शकल बाद में दिखाऊंगा आप लोग को फेस रिवील टाइम पे। पूरा फैमिली लोग खुश। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ मैं। सलामत आ गया, मैं बहुत खुश हूँ, अभी नहीं बताऊंगा। पोता है ना, पोती है, नहीं बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, वो वाला मीम बताऊंगा। पूरा खुशियां ही खुशियां गाइस अभी घर पे। वो देखो बड़ी बुआ जी भी आई है हमारे घर पे, हमारी सबसे बड़ी बुआ। हाँ। अभी दीदी जो है हमारे बेबी के लिए पूरा बिस्तर तैयार कर रही है, अभी मुझे गेट आउट कर देंगे ये दोनों। वाह फर्स्ट क्लास से खरीदा वाला तकिया ना। तो उधर में रहेगा हमारा बेबी, यहाँ पे जेरी, और इधर में मैं, मुझे लगता है यहाँ पे सोना पड़ेगा अभी तो। सबसे ज्यादा जो केयर करना आता है ना गाइस, वो एक्सपर्ट है दीदी, दीदी को सबसे ज्यादा आता है, उसका बाद जेरी, उसका बाद मम्मी। मम्मी तो पूरा वो हो गया ना अभी, क्योंकि इतने सालों से मतलब मैं ही अभी 25 साल का हो चुका हूँ, 25 साल के बाद अभी बच्चा पकड़ना बहुत मुश्किल है ना इसलिए, लेकिन दीदी बहुत एक्सपर्ट है, अभी भी हर चीज पूरा एक्सपर्टली कर लेता है। तकिया इतना क्यूट। चलो मिलाओ बिस्तर। मैं जेरी के रूम पे हूँ, यानी कि जेरी और रूपम के रूम में नए बेबी आए हैं, मेहमान आए हैं, तो बहुत ही खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, तो इसीलिए जो है मैं बेबी के लिए बिस्तर यहाँ तैयार कर रही हूँ, उसके लिए बेबी के लिए। और जितने भी यहाँ गंदे कपड़े पड़े हुए थे, ये तो सारे गंदे कपड़े हैं रूपम भाई के, उसको अलग रख लिया, जो अच्छा वाला है उसको मैंने मिला के उसको वार्डरोब में रख दिया, और यहाँ पे जेरी के कपड़े आधे मैंने वहाँ मिला के रख दिया, और यहाँ है उसको भी मैं अलग अलग मिला के रख दूंगी सारे, क्योंकि अभी जो है जेरी कुछ काम नहीं कर पाएगी, तो सब कुछ मुझे करना पड़ेगा।
खाने पीने का ध्यान भी मुझे रखना पड़ेगा और उसको संभालना, बेबी को संभालना, अब सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है क्योंकि मम्मी के कंधों पे जो है और सॉरी घुटनों पे दर्द है तो वो भी ज़्यादा मतलब ऊपर पे तक नहीं कर सकती है, इसीलिए मुझे करना पड़ेगा। तो ये काम करने के लिए कि मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ क्योंकि नया मेहमान आया है, खुशी के मौका है तो मैं बहुत ही खुश यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये लोग मम्मी और बुआ जी डिनर कर रहे हैं। यहाँ पे रो रहा है एक्चुअली, ऊपर से वो गंदा नहीं गिरने के लिए मैंने ऊपर से ये हल्का वाला है, आप लोग डरिए मत, इसमें से सांस ले सकते हैं आराम से, तो इसको मैंने ऊपर से लगा दिया है। अब इसको सुला दिया, ऊपर से जो है ना यहाँ से गंदा गिरने का चांसेस है, अगर छोटा सा भी कुछ भी गिर जाए इसके आंखों में चले गए तो बहुत ही तकलीफ होगा, इसीलिए सेफ्टी के लिए। बाय सोना, सोना सोजा सोजा। आज तो पूरा खुशी का माहौल है तो हम सब ने जो है खाना वगैरह खा लिया। आज जो है एक साथ में नहीं खा पाए क्योंकि आज हमारे बेबी को लेके ना कोई अगर खाते खाने का टाइम में उसको देखभाल करना पड़ता है इसीलिए ना, और जेरी का भी जो घाव वगैरह है वो तो दर्द वगैरह होता है तो इसीलिए गर्म पानी से थोड़ा बहुत वार्म वाटर से उसको धोया, उसका दवाई वगैरह अप्लाई किया। और अभी जो है हम सब लोग अपने अपने जगह पे आ गए, मम्मी लोग टीवी देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश है, स्पेशली मम्मी जाहिर नहीं कर पा रही इतना ज़्यादा खुशी है ना। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पता नहीं ये बात में कितनी सच्चाई है ना गाइस, तो लेकिन गाँव में स्पेशली ये सब बहुत माना जाता है रीइंकार्नेशन का। कहते हैं कि ये जो हमारा बच्चा है ये जो है एक्चुअली हमारे पिताजी हैं, तो उनका जो आत्मा है वो आए हैं हमारे हमारा बच्चा के रूप में आए हैं, तो इसलिए जो है सब लोग और भी ज़्यादा खुश है, पूरा हमारे ख़ानदान के लोग खुश है। क्या ही बताऊँ यार, मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और जेरी के ऊपर, स्पेशली मैं खुद के ऊपर नहीं जेरी के ऊपर मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ, और मैं जेरी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, उसने जो है मेरे लाइफ में खुशियाँ भर दी आने के बाद। वो देखो उधर में लेती हुई है तो अपने हमारे बच्चे के साथ, तो अभी जो है हमारे बच्चे को इस साइड में सुला रहे हैं हम लोग, जेरी बीच में मैं उस साइड में, तो कोई बात नहीं, सेक्रीफाइस नींद वगैरह सब कुछ सेक्रीफाइस अपने बीबी बच्चों के लिए, तुम सो जाओ आराम से, मैं जागा रहूँगा, बस देखते रहूँगा कुछ भी होता है तो, अगर सुसु पोटी वगैरह होता है तो। और क्या है बता, बहुत ही ज़्यादा खुश हो यार, कल का वीडियो का रेस्पॉन्स देख के मैं पूरा इमोशनल हो गया यार, मैं मतलब क्या ही बताऊँ, इतने सारे लोग इतने कमेंट कर रहे हैं, इतना व्यूज़ मतलब आप लोग दे रहे हैं, तो बार बार एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं, जल्दी से जल्दी जेरी को 1 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिए प्लीज़ यार, मेरे तो 2 लाख से ज़्यादा है, एटलीस्ट उनमें से कुछ 10-15 हज़ार लोग आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो आराम से हो जाएंगे, और कुछ 12 हज़ार जैसा चाहिए जेरी को 1 लाख करने के लिए, तो 12 हज़ार तो कुछ भी नहीं है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जेरी के ब्लॉग्स चैनल को, और उसका भी जो है 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कर दीजिए। अभी हमारा बच्चा जो है वहाँ पे सो रहा है, और जैसे ही जेरी का 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम लोग सब कुछ रिवील कर देंगे, जेंडर वेंडर सब कुछ तो और मज़ा आएगा, है ना गाइस। मेरे दोनों प्यारे दुनिया देखो सो रहे हैं गाइस, दोनों को अभी सोने देते हैं, मैं तो बस इन दोनों को ताकते रहूँगा, मैं वो मेरा अभी वो वाला सिचुएशन हो गया गाइस, ताकते रहते तुझको साँझ सवेरे नैनों में बसिया जैसे, साँझ सवेरे नैनों में बसिया जैसे। अरे अच्छा मैं क्या गिरा आ गया भाई, क्या हो गया, जाग गया क्या, अभी तो कान खोला है, कुछ सामान वगैरह भेजने से ठीक ठाक करने से पूरा सुनाई देता है ना, आजकल बच्चे लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, इतना बड़ा क्रिकेट गाइस देखो, वाह क्रिकेट आ गया घर के अंदर में, भाई नया मेहमान देखने आया है हाँ। मम्मी को देखिए गाइस टीवी देख रही है, आज तो नींद ही नहीं लग रहा है, 9 पार हो गया वरना ये 7 बजे सो जाती है, थोड़ा सा अगर हम लोग का बच्चा आवाज़ करता है तो बोलता है क्या हो गया क्या हो गया बोलते हैं खुश है ना मम्मी, हाँ पूरा खुशियाँ ही खुशियाँ, बुआ जी भी खुश क्योंकि सबको लगता है कि मेरे पिताजी का अवतार है ना ये,
क्या लगता है आपको मम्मी, क्या ये सच है? सच लगता है क्योंकि वो जेरी का वो ब्रीज फीडिंग करने का टाइम पूरा शर्माता है ना, नहीं पी रहा था तो सब लोग मिलके जब बताया कि पियो शर्म मत करो ऐसा, तो सच में पीने लगा मतलब ये सब थोड़ा बहुत लोगों को बकवास भी लगेगा, लेकिन कुछ कुछ मानते हैं हम लोग गांव में ना, ये सच बात भी हो सकता है सच भी नहीं हो सकता, बट दिल को तसल्ली के लिए एटलीस्ट ये इतना तो कर सकते हैं ना कि हाँ मान के ना, जरूरी नहीं कि हर चीज़ में सच्चाई हो, कुछ कुछ चीज़ें बिना सच्चाई के भी मान लेना चाहिए। जैसे कि हम लोग भगवान को मानते हैं, किसी ने भगवान को नहीं देखा है बट स्टिल हमारे दिलों में बसते हैं भगवान, लेकिन भगवान होते हैं असली में, तो वैसे ही टाइप का ये वाला भी फीलिंग है ना गाइस। बहुत सारे लोगों को ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि मेरे भैया के फैमिली लोग क्यों नहीं आ रहे, वो लोग आए थे मैं फिल्मिंग करना ही भूल गया, इतना खो गए थे हम लोग मोमेंट में, तो भाभी भी आया, मानवी भी आया, सब लोग आया, लेकिन भैया नहीं आ पाए क्योंकि भैया हो गए हैं भयंकर बीमार, उनको हो गया है जॉइंटिस, तो स्टिल वो इतना खुश है ना, इतना खुश है क्या ही बताऊँ मैं, जाहिर नहीं कर पा रहा है वो भी, पूरा हर जगह में दिन दौरा पीट रहा है, अरे मैं बन गया, हम लोग बोलते हैं जिदू, मैं पूरा पापा बन गया, मैं जिदू बन गया बोल के पूरा सबको बता रहा है, सोशल मीडिया पे फेसबुक पे पोस्ट डाला, अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ उसने क्या डाला, पूरा खुश है भैया, सबसे ज़्यादा तो मुझसे ज़्यादा तो वो खुश हो गए हैं, मैंने बोला ना मेरे पूरे खानदान लोग प्राउड फील कर रहे हैं मेरे ऊपर में, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मम्मी आप लोग आपको कैसा लग रहा है पूरा फीलिंग जो ना वैसे आप तो कैसा लगा बता भी नहीं सकता, मतलब ना एक्चुअली आप तो पहले भी देख चुका है ना नाती, लेकिन छोटा बेटा का पहली बार, मतलब जो पहले देखने से भी पहले पहले देखा जैसा ये लग रहा है, अच्छा फीलिंग तो मतलब नया ही आ रहा है ना, अच्छा तो मानवी भी पूरा खुश है, मतलब बच्चा को पूरा लेना चाहते गोदी पे, अभी बस मंजिता का याद आ रहा है, मंजिता जो है वो हॉस्टल पे गई है, उसने बोला था कि जब बच्चा हो जाएगा तो मुझे लेने आने के लिए, तो नेक्स्ट संडे को देखते हैं अगर टाइम होगा तो ज़रूर से मैं जाऊँगा, तो जेरी का भी हेल्थ अगर अच्छे से ठीक नहीं होता है ना तो मंजिता को लाके भी थोड़ा मतलब गड़बड़ी होगा ना, तो सबका हेल्थ अगर अच्छा होगा तभी तो अच्छा होगा ना, मंजिता को लाने से भी बेचारी को देखने का मन कर रहा होगा, उसको भी लाएंगे दिखाएंगे मिलाएंगे पूरा खुश हो जाएगी वो भी, दोनों इतना प्यार से सो रहे हैं गाइस, देखिए मुझे तो नींद ही नहीं आ रहा है, बस दोनों को देखते जा रहा हूँ देखते जा रहा हूँ माँ का प्यार देखिए, बच्चे पे हाथ रख के बेचारे पूरा थक गई ना, मेरा देवी है ये, मेरा देवी ये आने के बाद मेरा लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो रहा और ये वाला ये तो और भी ज़्यादा, ये आने के बाद तो डबल खुशी तो 100 हो गया, ये देवी है ना देवता है, कुछ दिन के बाद पता चलेगा आप लोगों को अभी दोस्तों सोने का टाइम है, लेकिन मुझे नींद ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया, ओवर एक्साइटेड हो चुका हूँ मैं, तो आज पहली बार है, पहली रात है अपने बच्चे के साथ ना, पता नहीं ये कैसा फीलिंग, अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ कहीं मैं, क्या पता नहीं कैसा लग रहा, अजीब फीलिंग है, मतलब जिस दिन आपको होगा ना तो आपको भी मालूम होगा कैसा फीलिंग है, तो ज़्यादा मतलब अंधेरा पे भी नहीं रख सकते और ज़्यादा जो है रोशनी में भी नहीं रख सकते, तो इसलिए मैंने जुगाड़ लगाया, यहाँ पे रुमाल रख दिया मैंने, तो जो लाइट है ना वो एकदम बढ़िया हो गया अभी, तो जेरी और हमारा जो है बेबी सो रहे हैं अभी, उसके बाद मैं भी अभी जाऊँगा तो बिस्तर पे साइलेंस से मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करूँगा और उसके बाद मैं भी सो जाऊँगा, लेकिन नींद तो नहीं लग रहा है, एक्चुअली कल रात भर हमने सोया नहीं बिल्कुल, बट पूरा दिन में नींद लग रहा था, लेकिन बेबी आने के बाद एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा भर गया ना, नींद गया बाहर में तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, थैंक यू फॉर योर लव ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट, आप लोग इतना प्यार सपोर्ट करते हो हमें, आप लोग की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, थैंक यू वेरी मच, मैं अपने यूट्यूब जर्नी में जितना भी सक्सेस किया तो आप सभी लोगों को कभी नहीं भूलूंगा अपने जीवन में, इनफैक्ट मैं कहीं किसी दिन अगर कोई बड़ा आदमी बन भी जाता हूँ या फिर कोई छोटा आदमी में गिर भी जाता हूँ ना, फिर भी आप लोग को ज़रूर से याद रखूँगा मैं, आप लोग का वजह से मैंने कितना अचीव किया लाइफ में ना, तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग का प्यार ऐसे ही बने रहे, और जाने से पहले
जेरी के ब्लॉग्स चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और उसको जो है 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो प्लीज़। ये एक रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से ना, जल्दी से जल्दी कर दो। और 10-12 हज़ार ही सब्सक्राइबर बचे हैं तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए ना। आप लोग अगर करोगे, आप लोग जोर लगाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग का हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फर्स्ट डे विथ माई चाइल्ड एट माई ओन होम, और मेरा फैमिली का रिएक्शन दिखाया आप लोगों को। तो इसी के साथ बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ।